पबजी के दीवाने तो बहुत हैं और देश में पबजी के इंडियन वर्जन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसके फैंस को गेम की लॉन्चिंग को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि गेम की लॉन्चिंग करीब है। इससे पहले ये गेम भारत में डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। हालांकि अभी फिलहाल इसे सिर्फ बीटा वर्जन की टेस्टिंग के लिए अवेलेबल कराया गया है, यानी सीमित संख्या में ही यूजर्स इसे गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। बीटा वर्जन के बाद इसके जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है। बीटा वर्जन में चुनिंदा यूजर्स को ही बीटा टेस्टिंग का अवसर मिलता है। गूगल प्ले स्टोर के अनुसार बीटा वर्जन यूजर्स की संख्या पूरी हो चुकी है, जिसके बाद बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बीटा टेस्टिंग रिक्वेस्ट को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब अब ये गेम आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। गेम खेलने के लिए क्या शर्तें होंगी, यहाँ ये भी जानिए। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम को ओटीपी के जरिए ही लॉगिन किया जा सकेगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही गेम खेला जा सकेगा। प्लेयर्स वेरीफाई कोड को 3 बार डाल सकेंगे, इसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। एक वेरिफिकेशन कोड सिर्फ 5 मिनट तक ही वैलिड रहेगा, इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। लॉगिन के लिए प्लेयर सिर्फ 10 बार ओटीपी रिक्वेस्ट कर सकेंगे। इससे ज्यादा करने पर 24 घंटे के लिए रिक्वेस्ट बैन हो जाएगी। प्लेयर एक मोबाइल नंबर से मैक्सिमम 10 अकाउंट पर रजिस्टर कर सकेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आएगी जो पबजी के दीवाने हैं, खासकर उन लोगों को। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें।